आता है, ज्यादा सीखा नहीं जाता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? सुबह के बज रहे हैं 7:15, यानी 7 बज चुके हैं। अश्विन अभी नहीं उठे, तो बहुत पहले से हैं, लेकिन अभी मंजन करने जा रहे हैं। और सारे लोग क्या कर रहे हैं? इधर भी नहाने की तैयारी हो रही है। और मम्मी को दिखाते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। ये देखिए मम्मी इधर माथा मार रही हैं, मैं जा रहा हूँ चक्की पे गेहूँ लेके। तो फिलहाल चलते हैं क्योंकि लेट ना हो जाए, लाइट भी जाने वाली है। अश्विन देखिए ब्रश कर रहे हैं। हेलो बोल दीजिए। हेलो। आज अश्विन जो है ब्लॉद को पानी पिला रहे हैं, पानी लेके आए हैं और जो है पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुद बोआ नहीं है। अरे वाह, आपको तो छूने दे रहा है ना। निक्की क्यों नहीं छूने देती है? क्योंकि पहले उसका बच्चा नहीं था तो छूने देती थी। क्यों निक्की नहीं छूने देती हो? छूने दिया करो। छूने दोगी कि नहीं छूने दोगी बोलो? हाँ छूने दोगी, छूने दोगी, छूने दोगी। नहीं रोने नहीं लगी। रोने लगी क्या निक्की? क्यों निक्की रोने लगी क्या? नहीं ब्लॉद आपकी हालत तुरंत खराब हो जाती है। हालत इनकी तुरंत खराब हो जाएगी और बोलेंगे पानी पियो पानी पियो। देखा पीछे बच्चा के बाप रे बाप, हालत खराब हो गई है। अरे 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 पीछे बच्चे बच्चे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जो उस दिन हम लोगों का आम आया था उसका अचार मतलब प्रोसेस तैयार हो रहा है, मतलब प्रोसेस में है ये। अभी आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कैसे हो गया एकदम। इसमें कुछ मसाला मतलब थोड़ा बहुत मसाला जैसे हल्दी नमक, बस अभी हल्दी और नमक सिर्फ पड़ा हुआ है इसमें। और सुधा जी इसको समाच रही हैं धूप में रखने के, मतलब जिससे कि ये हल्का हल्का सूख जाए। जिसमें पानी पानी भी था क्या इसमें? अच्छा पानी छोड़ा है क्योंकि नमक पड़ा हुआ था ना और डिब्बे में बंद था, तो डिब्बे में बंद होने की वजह से जो है ये एक तरीके से भाप जो होता है वो बन जाता है। और ऐसी मतलब नमक के दम पे ही ये पकता भी है, मतलब जो गल जाता है जैसे कहते हैं, पकना नहीं गलना। फिलहाल बहुत मस्त लग रहा है यार अचार, बन जाएगा कंप्लीटली, कलर मस्त लगे। पूरा बनने के बाद और जबरदस्त लगेगा। फिलहाल ऐसे ही एक एक करके इसको सुखाने का मतलब सुखा रहे हैं इसको, इस तरीके से रख देंगे तो हवा और हल्का धूप लगेगा तो सूख जाएगा। ज्यादा इसको नहीं सुखाएंगे, सिर्फ इसका पानी जो है वही खत्म होगा। मम्मी तो लगी हुई है पीछे, मम्मी का काम कभी खत्म होता नहीं है। हम लोग की निक्की की जो है चेरी खत्म हो गई है, अब यही पनपेगी तो दोबारा जो है फिर इसी को काटेंगे। अभी हो रहा है अचार की तैयारी, बनाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल जिस तरीके से हम लोग सोचे नहीं थे अभी तो सही है, क्योंकि जल्दी अचार टिकता नहीं है। ठीक है अब की बार देखते हैं कैसा तैयार होता है अचार।
का अचार बन रहा है, यानी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बोलें क्या। फिलहाल बहुत गर्मी है और आम का अचार अम्मा को भी बुलाया जा रहा है। देखिए इसमें हाँ सही तो लग रहा है। लाइट तो चली गई है लेकिन ये है कि आम जो है आम का अचार रेडी हो गया, लिटरली कंप्लीट हो ही गया आम का अचार आज। अब ये हफ्ते से 10 दिन के बाद खाने लायक होगा। तो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा है कि हाँ अट्रैक्टिव लग रहा है कि हाँ यार मस्त लग, स्वाद भी होगा, स्वाद तो फिलहाल मैंने चख भी लिया, अच्छा है। तो फिलहाल लाइट चली गई है और अभी लाइट का वेट करते हैं। तो गाइज रात के बज गए हैं 10 और फिलहाल सब लोगों का खाना पीना हो गया है और मैं भी जा रहा हूँ वीडियो की एडिटिंग करने। तो सो गाइज आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस भाई को आप सपोर्ट करिए। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।